मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 3 जिलों के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा। तो स्वागत है आपका हैप्पी न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में आज घोषित किए गए 3 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों के विषय में। तो क्या पूरी जानकारी कौन कौन से जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे अधिक लोगों तक शेयर करें। आई बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, सागर ग्रामीण, रायसेन और मुरैना शहर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष किए घोषित। दोस्तों, कांग्रेस ने 3 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। नरेश जैन को सागर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं देवेंद्र पटेल को बनाया गया है रायसेन जिले का जिला अध्यक्ष और वहीं दीपक शर्मा को मुरैना शहर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने इन प्रस्तावों को मुहर लगाते हुए इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। लेटर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस लिमिटेड कमेटी के अंतर्गत 26 मई 2020 को यह लेटर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सागर रूलर से नरेश जैन को दिया गया है और रायसेन को देवेंद्र पटेल और मुरैना सिटी को दीपक शर्मा के नाम की मोहर लगाई गई है।